Hello guys, assalamu alaikum. I hope you are fine. So in this topic or in this video, I will just show you how we can configure the Agora with React. So my previous videos where I configured the React Native with Agora, so you can take it in this video as a sequel of that video, and in this video we will show how we can configure the Agora with React and how we can use it with simply live stream. सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दो विंडोज़ खुली हुई है. पहली दोनों विंडोज़ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही है. दोनों विंडोज़ पे सेम स्क्रीन है इस वक्त, जिसके अंदर आपके पास चार बटन है. पहला बटन है ज्वाइन चैनल एज अ होस्ट, दूसरा बटन है ज्वाइन चैनल एज ऑडियंस, तीसरा है लीव इवेंट एज होस्ट और चौथा है लीव इवेंट एज ऑडियंस. तो अगर मैं पहले क्लिक करूँ ज्वाइन चैनल एज अ होस्ट पे, तो ये मुझे एक विंडो खोल के देगा और मेरा कैमरा ऑन कर देगा. तो बेसिकली इसने किया वो एक इवेंट क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर इसने एक चैनल बना दिया है, एक लाइव होस्ट कर दिया चैनल नेट के ऊपर, जिसके अंदर कोई भी यूज़र ज्वाइन हो सकता है इस वक्त इस स्ट्रीम के अंदर. तो अगर मैं यहाँ से एज अ ऑडियंस ज्वाइन करता हूँ, तो ये मुझे एज अ ऑडियंस ज्वाइन करेगा इसके अंदर और मुझे मेरा कैमरा दिखा, जो आपको दिख भी रहा होगा. पीसी कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी, पीसी कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी. मैंने बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल एचडी को यूज रखा हुआ है. तो रेजोल्यूशन इसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप रेजोल्यूशन ठीक कर सकते हैं. ओके, अब अगर मैं यहाँ करता हूँ लीव होस्ट को, यहाँ पर जो है वो यहाँ ऑडियंस के पास से लीव होस्ट, मतलब उसने नेट से जो है वो अपनी स्ट्रीम आउट कर दी है, ऑफ कर दी है, तो वो हमारे पास ऑडियंस से भी चल गई है. सिंपली अगर मैं दोबारा से इसको रिक्रिएट करता हूँ, मैं फिर लीव करूँगा एज अ ऑडियंस, तब देखेंगे क्या होता है. ओके, मैं ज्वाइन एज अ होस्ट कर रहा हूँ. सही है, मैंने ज्वाइन एज अ होस्ट किया, ये मुझे अपना एक चैनल बना देगा. ठीक है, मैं यहाँ से ज्वाइन एज अ ऑडियंस करूँगा. बेसिकली कैमरा खोल दे, होस्ट करूँगा, ऑडियंस करता हूँ मैं यहाँ से. तो देखें इसने स्ट्रीम को आउट कर दिया. हालांकि मैं लाइव हुआ हूँ, लेकिन इसने स्ट्रीम को आउट कर दिया. तो ये दो बेसिक रोल है जो उसको हम कवर करेंगे कॉन्फिग के अंदर. मैं कोड तो नहीं करूंगा, लेकिन कोड को समझाऊंगा किस तरह से काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है. इसको मैं बंद कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ दोनों विंडोज को. ओके, तो ये हमारा कोड है, ये कंपोनेंट बना हुआ है, इसको मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है. आप फंक्शनल कंपोनेंट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग टास्क फॉर नाउ रिएक्ट क्रिएटर्स, रिएक्ट वर्कर्स. ओके, तो इसके अंदर मैंने दो कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं. सबसे पहला है आरटीसी का, जिसके अंदर मैंने क्लाइंट को नल रखा हुआ है, ये हमें एक मदद करेगा. ज्वाइन को फॉल्स रखा हुआ है, पब्लिश को फॉल्स रखा हुआ है कि पब्लिश नहीं हुई है अभी स्ट्रीम. लोकल स्ट्रीम जो कि जो यूज़र स्ट्रीम होस्ट है, होस्ट एड्रेस स्ट्रीम वाला है, उसके लिए अभी जो है वो नल है. रिमोट स्ट्रीम्स के अंदर कितने ऐड हो चुके हैं वो अभी नल है, कोई ऐड नहीं है. और ये कुछ पैरम्स के लिए मैंने ऐड रखा हुआ है. सही है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो अगोरा के लिए है, ये ऐप आईडी है, ये चैनल नेम है, ये यूआईडी है, जो कि हर यूज़र की अलग होगी, जो कि यूज़र ऐड होता जाएगा और यूज़र क्रिएट होता जाएगा. टोकन है, एक की है, सीक्रेट की है, ये सारी चीज़ें हैं. बेसिकली ये सब आप ये चीज़ें जो है आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगी. ये चीज़ें भी डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, ये और चैनल नेम, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा. फिलहाल ये तीन चीज़ें हैं, ये ऐप आईडी भी चेंज हो सकती है, आपकी सब चीज़ चेंज हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया हुआ, फंक्शन का भी नहीं देखते अभी, सिंपल पहले अपने जाते हैं रिटर्न के फंक्शन के अंदर, जो कि है ये. इसके अंदर मैंने सेम एज जैसे आपको दिखाए थे चार बटन्स बनाए हुए हैं, एक ज्वाइन चैनल एज अ होस्ट, ज्वाइन चैनल एज अ ऑडियंस, इवेंट लीव एज अ होस्ट, इवेंट लीव एज अ ऑडियंस. दो वीडियोज़ की मैंने डिव बनाई हुई है यहाँ पर, एक है लोकल स्ट्रीम और एक है रिमोट वीडियो. लोकल स्ट्रीम वो स्ट्रीम है कि जो स्ट्रीमर की वीडियो दिखा रहा होगा, जो बेसिकली जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पर एक वीडियो आई थी, मेरी वीडियो दिख रही थी, वो लोकल स्ट्रीम है कि मैंने एक चैनल होस्ट किया है नेट के ऊपर, तो वो मुझे अपनी लोकल स्ट्रीम पे दिखाएगा अपनी वीडियो जो कैमरे से आ रही होगी. रिमोट वीडियो वो होगी जो मैं अपनी वीडियो किसी को शो कराना चाह रहा हूँ जो मेरी स्ट्रीम के अंदर ऐड हुआ है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो वो रिमोट स्ट्रीम है. ठीक है, ये दो स्ट्रीम के मैंने वीडियोज़ बना ली, डिव बना के रख दी हैं. अब चलते हैं सबसे पहला इवेंट जो है, जो हमारा फंक्शन जो हमारा है ज्वाइन चैनल का. ज्वाइन चैनल के अंदर मैं अगर ऑडियंस आ रही है तो ऑडियंस के पैरामीटर भेज रहा हूँ इसके पैरामीटर में, और एक होस्ट का भेज रहा हूँ अगर होस्ट क्रिएट कर रहा है.
सिंपल है, एआरटीसी जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था आरटीसी डॉट क्लाइंट के अंदर अगोरा की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, एसडीके अगोरा आरटीसी एसडीके वो डाउनलोड कर लें नेट से, सिंपल है अगोरा आरटीके एसडीके npm लिख के यहाँ पर आपको वर्जन भी दिख जाता है ये वर्जन आप डाउनलोड कर लें नेट से मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अगोरा डॉट क्रिएट क्लाइंट, आप क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने लाइव लिखा है मोड और कोड जो वो H264 लिखा है, इसके डिफरेंट कोड्स हैं वो आप अपने उनकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैंने एक लीस्ट समझने लीस्ट कोड यूज़ किया है अपनी स्ट्रीम के लिए कि ज़्यादा मेरे मिनट्स ज़ाया ना हो और कम से कम मिनट्स में काम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा आरटीसी कॉन्फ़िग करने के लिए आरटीसी क्लाइंट डॉट इनिट करा मैंने, एक इनिट करिए इनिट का फंक्शन है जिसके अंदर हमसे कुछ पैरामीटर लेता है, पहला है यूज़र आईडी जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद था, दूसरा है हमारे पास इसके फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर यूज़र, दूसरे में फंक्शन लेता है रिटर्न के अंदर समझ लें आप दूसरे पैरामीटर में, सही है। और इसके अंदर जो है वो ज्वाइन चैनल का जो है वो फंक्शन चलेगा जिसके अंदर आर टी सी डॉट ज्वाइन जिसके अंदर टोकन लेगा, अगर टोकन जनरेट है तो टोकन ले लेगा वरना उसको नल रखेगा। दूसरा चैनल आया लेगा, चैनल नेम लाजमी होना चाहिए क्योंकि हर यूनिक चैनल होता है जो भी स्ट्रीम क्रिएट होता है उसका यूनिक चैनल होता है। ऑप्शन यूज़र आई डी लेगा, अगर है तो यूज़र आई डी डाल दें वरना नल डाल दें। एक और फंक्शन लेगा जिसके अंदर जो है वो यूज़र आई डी के अंदर वो चैनल ज्वाइन को सक्सीड करेगा कि सक्सीड सक्सेसफुली जब चैनल ज्वाइन हो गया है। इसके अंदर हमारा मेन काम हो रहा था कि अगर रोल है, अगर यूज़र है तो क्या है और अगर स्ट्रीम है तो क्या है। इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने इसके अंदर जो रोल पास किए थे मैंने उसके ऊपर दो इफ की कंडीशन लगाई हुई है, एक होस्ट के लिए एक ऑडियंस के लिए। सबसे पहले अगर मैं होस्ट को खोलता हूँ तो इसके अंदर आर टी सी डॉट सेट रोल मैंने होस्ट कर दिया सिंपल, तो यह आर टी सी लोकल स्ट्रीम इज इक्वल टू आर टी सी क्रिएट स्ट्रीम, स्ट्रीम को क्रिएट करें जिसके अंदर स्ट्रीम आई डी की जगह मैंने पैरामीटर आई डी दी है जो कि यूज़र आई डी यूनिक थी जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, जो कि मैंने पैरम के अंदर स्टोर करी है इसलिए मैंने पैरम का ऑब्जेक्ट बनाया था। दूसरा ये ऑडियो ट्रू वीडियो ट्रू, ऑडियो वीडियो ट्रू ऑब्वियसली जब भी हमें यहाँ पर दिख रहा था। तीसरा स्क्रीन का पैरामीटर्स है जो कि मैंने फॉल्स रखा था क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट नहीं करानी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक लोकल स्ट्रीम जो मैंने आपको बताया था कि लोकल स्ट्रीम वो होती है जो स्ट्रीमर होता है उसी की वीडियो और वीडियो सब यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वो लोकल स्ट्रीम मैंने एक फंक्शन चलाया इनिट का, सही है। इसके अंदर इनके फंक्शन के अंदर ये मुझसे जाओ प्ले करवाया कर लोकल स्ट्रीम प्ले कराओ किसके ऊपर, लोकल स्ट्रीम की जो मैंने डिव बनाई थी उसकी जो आईडी दी हुई थी, ठीक है, और पब्लिश कर दो लोकल स्ट्रीम को और फंक्शन के अंदर दिखा देगा, अगर फेल होगी तो फेल है, एरर है तो एरर दिखा देगा सिंपल, और अगर फेल नहीं है तो वो लोकल स्ट्रीम को पुश कर देगा कि आपकी लोकल स्ट्रीम पुश हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पैरामीटर के अंदर आर टी सी डॉट लोकल स्ट्रीम जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट की थी ये पूरा कॉन्फ़िग जो क्रिएट किया था वो इसके अंदर जो है वो पास हो जाएगा, ये हो गया। नीचे जाते हैं, ये सिंपल बिल्कुल बेसिक काम हो गया। कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं जैसे एक फंक्शन बना पाए, जैसे सॉकेट आयो के अंदर हम एक ऑन का फंक्शन बना के रखते हैं कि अगर ये इवेंट हो तो यहाँ पर जो है वो ये काम कर देना, सेम एग्जैक्टली जो है वो यही काम कर रहा है ये कुछ, ये मुझे भी सही से याद नहीं, आई थिंक ये ऑडियो का है म्यूट का, कि उसके अंदर जो है वो ये स्टेट चेंज होगी तो वो हमें बता देगा कि यूज़र ने मतलब क्या कहते हैं स्ट्रीमर ने अपनी स्टेट चेंज करी है किसी की ऑडियो की या किसी चीज़ की है, वो मैं देख के बता दूंगा आपको। यहाँ तक हमारा सिंपल है होस्ट का। दूसरा है यूज़र का जो ऑडियंस है, ऑडियंस क्या सिंपल करेगी, सेम एग्जैक्टली वही चलेगा आपका, ये वही फंक्शन है मैंने ऊपर बनाया बस खाली और कोई मसला नहीं है। आर टी सी डॉट क्लाइंट डॉट ऑन स्ट्रीम स्ट्रीम ऐड होगी, ठीक है, स्ट्रीम ऐड जो है वो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है वो हमारा ये काम होगा कि जो ज्वाइन कर रहा है चैनल को उसके पास कैसे शो होगी स्ट्रीम ऐड क्या एक एक ये जैसे जैसे मैंने बताया सॉकेट आयो के अंदर हम ऐसे जब वो स्ट्रिंग नाम रखते हैं उनके ऊपर जब वो इमिट होता है वैसे ही यहाँ पर नाम रखेंगे हम स्ट्रीम एडिट का, ये डिफॉल्ट नेम है। मैं आपको पेज भी दिखा दूँ जहाँ पर आपको सारे फंक्शंस और ये सारे पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे और उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हुई भी होगी, सही है वो है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वीडियो रिमोट स्ट्रीम के अंदर मैंने इसके पैरामीटर के अंदर स्ट्रीम निकाली, ठीक है, एक यूज़र गेट आईडी के फंक्शन से मैंने एक यूनिक आईडी निकाली, वो मैंने चेक किया कि अगर आरटीसी की पैरम में मौजूद नहीं है कोई नया यूज़र है तो वह आप उसको रिमोट स्ट्रीम में सब्सक्राइब कर दो, और पुराना यूज़र है तो सब्सक्राइब नहीं करो उसको, उसी पर रहने दो सिंपल। तो स्ट्रीम के अंदर एडिट हो गया, सही है। उसके बाद आरटीसी ऑन रिमूव स्क्रीन है, ये फंक्शन है बाद में बताऊँगा। सब्सक्राइब का फंक्शन ये है कि जो आपको स्ट्रीम से सब्सक्राइब हो जाएगा जब आपको दिखने शुरू होगी स्ट्रीम, तो ऑन के ऊपर स्ट्रीम और सब्सक्राइब है उसके अंदर सिंपल यही है, मैंने आईडी निकाली आईडी के अंदर आईडी डाली और सिंपल रिमोट स्ट्रीम के ऊपर प्ले कर दिया, इस तरह से मैंने
और होस्ट के अंदर प्ले किया था स्ट्रीम को, यहाँ पर वैसे ही मैंने रिमोट स्ट्रीम को प्ले किया कहाँ पे, इस आईडी के ऊपर जो कि आईडी हमारे पास थी इस डिफ की। तो एग्जैक्टली सेम काम हो गया हमारे पास इस यूज़र के लिए। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास काम हो गया, हमने सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया यूज़र भी और होस्ट भी। अब हमारे पास दो इवेंट आते हैं कि एक तो इवेंट होस्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है, मतलब एंड कर रहा है, अपनी स्ट्रीम से बाहर निकल रहा है। तो इवेंट लीव बाय होस्ट के अंदर सिंपल अनपब्लिश करेगा वो, सही, अनपब्लिश के अंदर लोकल स्ट्रीम पर अनपब्लिश हो गई, सही है। और इसी के ऊपर जो है वो, इसी के ऊपर अनपब्लिश के ऊपर और लीव के ऊपर एक फंक्शन कॉल होता है जिसको कहते हैं हम रिमूव स्ट्रीम। रिमूव स्ट्रीम बेसिकली यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। खैर इसके अंदर जो है वो अनपब्लिश करने से जो है वो रिमूव, इससे अंदर रिमूव हो जाएगी स्ट्रीम, वो मैं भी आपको बताता हूँ। एक और फंक्शन कॉल होता है वो क्या होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास रिमूव एज अ ऑडियंस, रिमूव एज अ ऑडियंस के अंदर हमारे पास जो है वो लीव का एक मेथड है, या लीव का एक मेथड है जो कि लीव कर देता है। उस लीव के ऊपर आपके पास कुछ फंक्शंस कॉल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया सॉकेट आईओ के अंदर कोई इमिट होता है, तो वो ये मेथड ही आपको बताएगा कि दो, जैसे मैं आपको बताया तो एक मिनट में हम यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं। वेन लीव द चैनल द क्लाइंट ऑन सर्वर स्टेट चेन कॉल बैक ट्रिगर ऑन द लोकल क्लाइंट, जो मैंने मेथड बनाया था वो इसके लिए है कि लोकल क्लाइंट पे जो अब लीव का कैसी इवेंट कॉल होगा वो लोकल क्लाइंट के ऊपर ये इवेंट चलाएगा, सही है, जो कि ये स्टेट लिखी हुई, देखें ये इसी ने लिखी हुई, ठीक है। उसके अलावा जो आफ्टर लीविंग द चैनल इज द यूजर टू ज्वाइन द चैनल कम्युनिकेशन, ये फजूल है, तो ये हमारे पास लीव का चैनल हो गया। दूसरा हम देखते हैं जो हम वहाँ से अनसब्सक्राइब करा रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से अनपब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड ये मेथड क्या करता है, व्हेन द स्ट्रीम इज अनपब्लिश्ड द लोकल स्ट्रीम कॉल बैक ट्रिगर ऑन द लोकल स्ट्रीम एंड द रिमूव एंड द स्ट्रीम रिमूव कॉल इन द रिमोट क्लाइंट। वो ये बोल रहा है कि जो जब आप अनपब्लिश का फंक्शन चलाते हैं तो स्ट्रीम डॉट अनपब्लिश कॉल बैक ट्रिगर ऑन द लोकल क्लाइंट जो कि स्ट्रीमर है, और स्ट्रीम रिमूव वो कॉल होता है होस्ट यूज़र के ऊपर, तो इसलिए मैंने स्ट्रीम रिमूव का फंक्शन यहाँ लगाया भाई, ये रहा, तो ये फंक्शन कॉल होता है और इसके ऊपर मैं जो है वो इस आईडी को रिमूव करवा दूंगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अनसब्सक्राइब का, तो अनसब्सक्राइब का भी मैं बताता हूँ कहाँ से अनसब्सक्राइब, ये रहा। तो अनसब्सक्राइब सिंपल फंक्शन होता है, द मेथड इनेबल टू यूजर टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम द रिमोट स्ट्रीम, तो ये फंक्शन ये काम करेगा, रिमोट स्ट्रीम से अनसब्सक्राइब कर देगा इसको, यहाँ से अनसब्सक्राइब, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा, रिमोट स्ट्रीम से पॉज हो जाएगी स्क्रीन, जो मैं आपको बता रहा था कि वीडियो स्ट्रीम से पॉज हो जाएगी। तो ये बेसिक इसके फंक्शन है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसके अंदर पढ़ के डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस तरह से कॉन्फिग कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर जो है वो एक चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने टोकन जनरेट करके डाला हुआ था, आपके पास एक लाइब्रेरी होती है अगोरा टोकन जनरेटर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप टोकन्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है, आप इसको यूज़ करके टोकन जनरेट कर सकते हैं रियल टाइम पे, रन टाइम पे, ठीक है। ऐप आईडी आपको मिल जाएगी आपके ऊपर से, चैनल आईडी, और अगर आपको ये ऐसे ही यूज़ करना है तो आप सिंपल अपने डैशबोर्ड पे जाएं, डैशबोर्ड के अंदर जो है वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का वो होता है, क्या कहते हैं, ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप इस की पे जाएं, यहाँ पर आप अपना नेम डालें, चैनल नेम, यहाँ पर टोकन जनरेट हो जाएगा, सिंपल चैनल नेम डालना, मैंने डाल दिया तो जनरेट हो जाएगा, कॉपी करें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें उन दोनों चीज़ों को। एंड द लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट माई नेफ्यू विच नेम इज़ हुज़ैफ़ा एंड ही स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल लाइक अ गेमिंग चैनल एंड आई होप यू विल लाइक हिज स्ट्रीमिंग हिज वीडियो, सो प्लीज सपोर्ट दिस हिज चैनल ऑल्सो एंड गिव अ लाइक थम्स अप टू हिज वीडियो, इट्स रियली रियली गुड दैट ही टेक इनिशिएटिव टू डू समथिंग फॉर द एक्टिविटी इन द यूट्यूब बिकॉज द next generation is on the YouTube, so please share your love with this kid and hopefully this video will give you the enough knowledge to use how we can use React with Agora and
एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑन माई वीडियो. एंड थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.